टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमिन सुमानी आज बनाने लगे हैं ज़बरदस्त ही देगी स्टाइल की बिरयानी। तो देगी स्टाइल की बिरयानी के लिए मैंने सबसे पहले जो है 4 अदद प्याज डाल लिए थे और 1 किलो के हम बना रहे हैं। 1 किलो का आप हिसाब रखेंगे, 1 किलो चावल है और 1 किलो ही हमारे पास चिकन है। तो चिकन बिरयानी बन गई। थोड़े से इसमें डाल देंगे हम 4 अदद प्याज के साथ खड़े मसाले और इसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। तो ये बिल्कुल जो है परफेक्ट देगी स्टाइल जो बिरयानी बन रही है। एक भी चीज़ को मिस कीजिएगा और फिर जब बनाएँ और फिर मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। तो हम इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं, इसको भून लेते हैं। ब्राउन हो गए हमारे प्याज, इस पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून सॉरी चम्मच में ऐसा छोटा है तो इसलिए मुझे डालना पड़ा कि बार बार। तो ये जो है 2 टेबल स्पून मैंने डाला है जब इसके नीचे। भून देंगे फिर हमारा ऑयल जो है अच्छा पूरी जाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा देर नहीं लग रही है। अच्छा गर्म होगा। अब मैंने होम मेड अपनी जो बनाया बनाया था दही, तो ये जो देखें आप कितना अच्छा है, तो हम इसे दही डाल देंगे इसमें। करीब करो सर, ये दही डालेंगे हम तकरीबन इसमें 1 प्याज़ी भर यानी 6 टेबल स्पून। बाकी का दही मैंने रख दिया है। तो ये हमने दही डाल दिया था और इसको ज़रा थोड़ा भून रही हूँ। और जब तक मैं आपको ये दिखाऊँ, 1 भाई पूरा मैंने धनिया का, पुदीने का और 6 तकरीबन हरी मिर्ची मैंने ले ली थी और 1 टेबल स्पून जीरा सफ़ेद। तो ये मैंने इस तरह से पीस लिया था और ये दरदरा सही है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बचा दिया मैंने, वो मैं बिल्कुल लास्ट में डाल दूँगी। और साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन, तो मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर ली थी। इसको हमने खूब अच्छे से भूनना है। तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और इस पर तकरीबन पानी भी खुश होने लगा है। और इसमें जो है हमारा होममेड जो मसाला है मेरा बिरयानी मसाला, जिसके जो डिस्क्रिप्शन में जिनका आपको मिल जाएगा, वो मैंने डाल दिया है 4 टेबल स्पून। और इसमें जो है आपको अगर मिर्ची कम ज़्यादा खाते हैं तो मांगा रखी, तो जो मैंने होममेड अपना बनाया है इसमें तो मैंने ये कि 4 टेबल स्पून का मैंने बिरयानी मसाले का हिसाब रखा था 1 किलो में। 4 से 5 आप 4 to 5 कर सकते हो। इसको और अच्छे से भूनते रहेंगे हम थोड़ी देर और तकरीबन 10 मिनट तक और भूनेंगे। कलर आ जाएगा कितना अच्छा आ रहा है इसमें। और इसको आपने तो दूसरे से भूनते रहेंगे और सबने इसका जो है इधर से बनाओ ना वीडियो। ऑयल अलग हो गया है, इसका सेपरेट हो गया है और मसाला भी तो सेपरेट हो चुका है। तो अब इसकी खुशबू भी आने लगी, तो मैं बाकी का काम बाद में कनेक्ट करती हूँ। उसको बस इतना ही करके हमने बंद कर देना है फ्लेम को, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। और अब बाकी पर शो करते हैं, पानी चावल को बॉयल करने रख देते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा मैंने जो है ये चावल बॉयल कर लिए थे, ये तो आपको सबको पता ही है। और इसमें जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था उसकी लेयर लगा देंगे सबसे पहले। लिंक जो है बिरयानी मसाले की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। हमने जो स्लाइस कटिंग किए हैं टमाटर ये डालेंगे
साथ ही मैंने पीस के जो आधा रख लिया था हरा धनिया और पुदीना हरी मिर्चें, तो वो डाल देंगे इसके ऊपर। स्ट्रिप्स कटिंग की हुई है हरी मिर्च की है और लेमन थोड़ा सा स्लाइस कटिंग की। दूध मैंने ज़ाफ़रान खोल के ज़ाफ़रान और साथ ही जो कलर होता है फूड कलर वो डाल दिया, वो डाल देंगे। आधा डालेंगे थोड़े से डालेंगे हरी ये हरा धनिया पुदीना फिर से अगेन हम ये चीज लेयर लगाएंगे सेम इसी प्रोसेस में। चावलों में बस थोड़ी सी कमी रहनी चाहिए, बिल्कुल बनाना नहीं है। मसाला है ये डाल देंगे। जो कलर है फिर से हमने ये डाल देना इसमें, क्योंकि हम बना रहे हैं देखिए स्टाइल तो थोड़ा सा चेंज है। हरी मिर्चें, हरा धनिया, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर हो तो ब्लैक पेपर, और फिर इसमें चावल डालने हैं और हमने इसको दम पे रख देना है। आप लोग कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में आके जब आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। ये इसमें डालेंगे चंद कतरे इसके बिरयानी एसेंस के, चार जो है आपने ड्रॉप डालने हैं। आप बिल्कुल धीमी आंच पे रख देना है, इसको मैं ढक के रख रही हूँ। इसमें रखेंगे एक वजन ताकि हमारे चावल अच्छे से हो जाए दम पे। 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये हमारी हो गई है तैयार बिरयानी। ये देखो करीब करो वहाँ से, ये देखो कितनी ज़बरदस्त से हमारी ये बिरयानी तैयार हुई है। कलर और मसाला देखें कितना अच्छा है, परफेक्ट। अब इसको निकालते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी देगी बिरयानी तैयार है, बिल्कुल देगी चिकन बिरयानी। तो आपको ये रेसिपी आज की कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त है, ऑनेस्टली बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग ज़रूर खाई बनाइएगा और फिर कमेंट्स में आके मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और दूसरी बात ये कि लाइक एंड शेयर करना और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अच्छी लगे बुरी लगे आप कमेंट ज़रूर करें, और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।